बिना कपड़े की दुकान बोलते तेरे बाप की चड्डी थोड़ी पहनी है, बाप के ऊपर नहीं बोलने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी भाऊ और उर्फी जावेद की कंट्रोवर्सी जोरों शोरों से चल रही है, और ये कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ उर्फी जावेद के ड्रेसिंग सेंस को लेकर है, जिसमें कि हिंदुस्तानी भाऊ ने कहा था कि उर्फी बेटा अपने फैशन को सुधारो वरना मैं सुधार दूंगा। एंड इसके बाद दोस्तों, फिर हमें उर्फी जावेद की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी देखने को मिले जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तानी भाऊ को जेल तक पहुंचा दूंगी। फिर दोस्तों, उर्फी जावेद के इस स्टेटमेंट के बाद हिंदुस्तानी भाऊ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए, जिसमें कि उन्होंने उर्फी जावेद को लेकर खुलकर बात की थी। एंड इसके बाद दोस्तों, हमें उर्फी जावेद की तरफ से एक और स्टेटमेंट देखने को मिलता है जिसमें वो हिंदुस्तानी भाव के पिता के ऊपर तक चली जाती हैं। एंड फिर इसके बाद दोस्तों, हमें हिंदुस्तानी भाव की तरफ से उर्फी जावेद के लिए फिर से एक रिप्लाई देखने को मिलता है। तो आखिर उन्होंने उर्फी जावेद के बारे में फिर क्या कहा, आप खुद ही देख लो। बिना कपड़े की दुकान बोलते तेरे बाप की चड्डी थोड़ी पहनी है। मेरा बाप अगर तेरे को चड्डी देता ना, चड्डी के साथ तेरी भी ले लेता और इतने खड्डे करवा देता चड्डी के अंदर, समझ में नहीं आता कि तू पादे की किधर से और आगे की किधर से। बहुत डेंजर था मेरा बाप। उसके नजर में तेरी माँ आती तो खत्म, तेरी माँ की भी चड्डी पड़ जाती। बाप के ऊपर नहीं बोलने का। बिना कपड़े की दुकान। एंड इसके अलावा दोस्तों, हमें हिंदुस्तानी भाव की तरफ से एक और वीडियो देखने को मिली जिसमें कि वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर भड़के हुए हैं। तो आप लोग हिंदुस्तानी भाव की वो वीडियो क्लिप भी देख लो। जय हिंद। हमारे राज्यपाल कोश्यारी जी एक सभा में बोलते हैं कि शिवाजी, डॉक्टर अंबेडकर ये जूने टाइम के आदर्श थे। अभी यहाँ पे शिवाजी भी है और डॉक्टर अंबेडकर भी है। पहला तो राज्यपाल जी एक बात सुनिए, शिवाजी ने शिव छत्रपति महाराज और डॉक्टर अंबेडकर ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यह हमारे तब भी आदर्श थे, आज भी आदर्श है, हमारे आइडल आज भी है वो। हाँ, तो बात करने से पहला ना 10 बार सोच के बात करिए। आप जो जहां पे बैठे हैं ना, आपको शोभा नहीं देता ऐसी बात करने का, समझा। महाराष्ट्र से, पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगी है। और माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी, ऐसे राज्यपाल जिनको हमारे हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पता, इनको भगाओ, नहीं चाहिए हमको। तो दोस्तों, फिलहाल आपका इस बारे में क्या है कहना, हमें अपनी राय कमेंट पर दें, और साथ ही साथ ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।